है। इस बीच ये बड़ी खबर है कि राजस्थान में किरोड़ी मल बैसला ने सरकार को भी चिट्ठी भेजी है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से संपर्क किया है, ये भी अभी का अपडेट है। और जो चिट्ठी भेजी गई है इसमें बैसला ने मांग की है कि अब सरकार से बातचीत जयपुर में नहीं बल्कि बयाना में हो। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेल रूट ठप कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने शर्त भी रख दी है सरकार के सामने कि जयपुर में नहीं बल्कि बयाना में बातचीत होनी चाहिए। करीब 45 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, कई ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। मेरे ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, राज्य सरकार से बयाना में बातचीत की मांग की गई है आंदोलनकारियों की वजह से। इस बीच खबर यह भी है कि आंदोलन की वजह से रेल और सड़क रूट पूरी तरह से ठप है। केंद्र सरकार अभी खासतौर से ये बताइए कि गृह मंत्रालय की तरफ से क्या खबर आ रही है, इस पूरी डेवलपमेंट को किस तरह से गृह मंत्रालय देख रहा है? देखिए, गृह मंत्रालय पूरे हालात को लेकर बातचीत हुई है और साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से ट्रैक पर जो गुर्जर आंदोलनकारी लगातार धरना दे रहे हैं और कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, ऐसी स्थिति में अगर केंद्रीय और सैनिक बलों की जरूरत हो तो केंद्र सरकार भेजने के लिए तैयार है। लेकिन पूरे हालात पर राजस्थान सरकार से बातचीत की गई है और जिस तरह से गुर्जर आंदोलन लगातार जारी है उस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर से कहा है कि केंद्रीय और सैनिक बलों की अगर जरूरत हो तो केंद्रीय गृह मंत्रालय होंगे इसमें तैयार है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दरअसल गुर्जर आंदोलनकारियों ने सरकार की ओर से बातचीत कर रहे संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को ठोस प्रस्ताव लाने पर ही बातचीत का दूसरा दौर शुरू करने के संकेत पहले ही दिए थे। और गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बल और भी ज्यादा भेजे जाने के बारे में राज्य सरकार से पूछा है। इस बीच कर्नल बैसला ने जयपुर जाने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि जो भी बातचीत हो वो बयाना में ही होनी चाहिए।